आज एक ऐसी खबर हम सभी के सामने आई जिसने पूरे भारत को हिला कर रखा हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी में क्रैश हो गया, जिसके बाद सही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि बिपिन रावत की तबीयत अब कैसी है, अब उनकी हालत कैसी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे बाकी 14 अधिकारियों में से 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिस वजह से सभी की निगाहें CDS बिपिन रावत की हालत पर बनी हुई है। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर हम सभी के सामने आ रही है उसके मुताबिक बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, तमिलनाडु में हुए हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे सभी 14 अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसमें अब CDS बिपिन रावत का नाम भी शामिल हो चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरे भारत के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनके आने के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्थाओं में नई ऊंचाइयों को छुआ है। फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर धारा 370 और 35A को शांति के साथ कश्मीर से हटाना हो, सब कुछ बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद ही हुआ है। बिपिन रावत का इस तरह दुनिया को छोड़कर जाना सभी के लिए काफी ज्यादा दुखद है।